बालाघाट में एक अजीब मामला सामने आया जिसमें एक व्यक्ति भाऊराव अतुलकर की मौत होने के पश्चात उसका दह संस्कार इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि उसका शव निकालने के लिए रास्ता नहीं है। दरअसल बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 बिजरावार मोहल्ला में रहने वाले भाऊराव अतुलकर की आज सुबह 6 बजे मौत हो गई, जिसका परिजनों द्वारा दह संस्कार किया जाना है लेकिन उसके शव को निकालने के लिए रास्ता नहीं है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जमीन का विवाद चल रहा है और इस विवाद के चलते एक ओर से पड़ोसी परिवार ने आसपास बाउंड पे वाल खींचकर रास्ता बंद कर दिया है, जिसके कारण एक दूसरा पड़ोसी परिवार शिवलाल है जिसने अपने घर के भीतर से मृतक भाऊराव अमुलकर के परिवार को आवागमन की सुविधा दी थी। आज भाऊराव की मौत होने के पश्चात शिवलाल के परिवार ने भी अपने घर के भीतर से शव निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके चलते दोपहर 2 बजे के बावजूद भी भाऊराव का दाह संस्कार नहीं हो पा रहा है, जबकि मृतक की मौत की सूचना पर तमाम रिश्तेदार सहित सभी लोग एकत्रित हो गए। रास्ते के अभाव में शव को दाह संस्कार के लिए नहीं ले जा पा रहे। यही समस्या है कि इनके राकेश के पिताजी की डेथ हो गई, भाऊराव अमुलकर, जिनको जाने की रास्ता नहीं है। मैं मेरे घर से कई साल तक जाना आना जाना होता था, अब मैं इनकी मृत्यु हो गई, मैं आने से मना करूँगा जाने से। तो ये लाश नहीं निकाल पाएंगे? नहीं नहीं, मेरे घर से निकालने की अनुमति देना ही नहीं चाहता मैं। क्या नाम है आपका? शिवलाल। दूसरी ओर पिता के दाह संस्कार के लिए उनका बेटा राकेश अमुलकर पुलिस तहसील कार्यालय और कलेक्टर परिसर के चक्कर लगा रहा है, जिससे कि प्रशासन स्तर से कुछ रास्ता निकल आए। फिलहाल में यह मामला पुलिस ने संज्ञान में लिया है, लेकिन रास्ते का विवाद अभी अटका हुआ है, जिसके कारण दाह संस्कार का कार्यक्रम अब तक नहीं हो सका है। आज मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, जिसके चलते मैं इनकी सूचना देने आया था कोतवाली। किस बात की सूचना देने के लिए आया था? जिसके चलते मुझे मेरे पड़ोसियों द्वारा, रामलाल, भरतलाल, भैयालाल, इनके द्वारा मेरे आने जाने का रास्ता रोक लिया गया है, जिसके चलते मुझे शव लाने ले जाने कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो आपके पिताजी की डेथ हुई है, तो अभी वहाँ से शव निकालते नहीं बन रहा? जी जी जी। इसके पहले कहाँ से आना जाना कर रहे थे? इसके पहले मेरे पड़ोसियों के घर के अंदर से आना जाना करना पड़ता था। अभी जो पहले की थी, इसकी शिकायत पहले किए थे क्या? जी, इसकी शिकायत मैं SDM, तहसीलदार और भी न्यायालय में चलते आया, जिसका अभी निराकरण नहीं हो पाया है। और आज मेरे घर में इस टाइप का, मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, तो मुझे शव ले जाने लाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। कब से चल रहा है ये विवाद? विवाद कम से कम 10 सालों से चला आ रहा है। तो ये मामला के कोर्ट में लंबित है क्या अभी? जी जी जी। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।